शादी डॉट कॉम और जीवनसाथी डॉट कॉम जैसे प्लेटफॉर्म जिससे हजारों लोगों का भला हो रहा है और घर बस रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ ठग इनका उपयोग बड़ी जालसाजी के लिए कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला विदिशा जिले के गंज बासुदा थाने में देखने को मिला, जिसमें चार शादी करने वाले एक आरोपी को नगर थाने की पुलिस ने दिल्ली थाने की अभिरक्षा से बासुदा थाने लेकर आई और न्यायालय में पेश किया। इसके बाद न्यायालय ने आरोपी को जेल भेज दिया है। पीड़ित युवती ने बताया कि युवक से उसका संपर्क शादी डॉट कॉम आईडी के माध्यम से हुआ। युवक ने नहीं बताया कि उसकी पहले भी शादी हुई और फिर बाद में एक और शादी कर ली। फिलहाल युवक पुलिस की गिरफ्त में है, जिसे पुलिस जेल भेजने की तैयारी कर रही है। गंज बासुदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। माध्यम से और कई माध्यम से शादियों के फर्जीवाड़े चल रहे हैं और आज एक मामला ऐसा ध्यान में आया है। क्या पूरा मामला है इस विषय में आप थोड़ा बताइए। इसमें गत 2 माह पहले एक महिला ने थाने पर सिटी कोतवाली में रिपोर्ट की थी, जिसमें शादी डॉट कॉम के मार्फत उसका विवाह हुआ था, जो विदिशा में बासुदा में मेल रोड मंदिर पर वो विवाह का आयोजन हुआ था, जिसके मुख्य स्रोत शादी डॉट कॉम था, जिसमें एक बिहार का आयुष उर्फ महासेठ, बिहार का रहने वाला है जो वर्तमान में दिल्ली में निवास कर रहा है, उससे इनका विवाह हुआ था। उसके बाद में विवाह के चंद दिनों बाद ही इनको जानकारी मिली पीड़िता को, जिन्होंने थाने में रिपोर्ट की थी, कि उसके 2 विवाह पहले पूर्व में हो चुके हैं और एक विवाह इस विवाह के पश्चात हुआ है। जो भी बिहार की महिला है जिससे इन्होंने शादी डॉट कॉम के माध्यम से विवाह की है, इस तरह एक शादी डॉट कॉम से फर्जी आईडी से बनाकर बासुदा की निवासी महिला को भी फर्जी डॉट कॉम मैरिज से धोखाधड़ी की गई, जिस धारा 494 वगैरह का पंजीकृत किया गया था, जिस पर एक टीम एएसआई कौरव एससी अकबर अली को दिल्ली भेजा गया था, जहां से आरोपी आयुष को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके उससे पूछताछ की जा रही है। अन्य कोई ऐसा प्रकरण भी उसने किसी महिला नारी के साथ न किया हो, इस हिसाब से उससे पूछताछ की गई है और वर्तमान में आज न्यायालय प्रस्तुत किए गए। इसमें प्रताड़ित और पीड़िता के लिए 498 के साथ साथ अन्य धाराएं भी दी गई हैं, जिसमें भारतीय दंड संहिता के तहत 494 420 की परिधि में आती है। 484 जो धारा है वो 420 के ही उसमें आती है, जो धारा का समावेश किया गया है और अभी इसको जांच में लेकर अगर अन्य कोई धारा भी बढ़ाई जा सकेगी तो पीड़िता के पक्ष में बढ़ाई जाएगी। क्या आरोपी से पूछताछ के दौरान और भी कई खुलासे हो सकते हैं? हाँ, उसमें आरोपी से पूछताछ जारी है और पूछताछ की जा रही है, उसके कथन भी लिए गए पूछताछ में, जिनमें कथनों के आधार पर और भी जाँच की जाएगी, जिसमें और भी पर्दाफाश अन्य पीड़ितों का हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।